पंजाब वालों को बिजली का झटका, सरकार ने बढ़ाया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लुधियाना में पुलिस वाले ही निकले नशा तस्कर गिरफ्तार। अब हिमाचल में पशु नहीं होंगे आवारा, सरकार लाई कुछ नया। हिमाचल में डॉक्टरों ने किया पहला किडनी ट्रांसप्लांट, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। बीती रात दिल्ली एयरपोर्ट उड़ाने की मिली धमकी। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी पुलिस ने समझ लिया है कि उनकी अगली थ्रेट सिर्फ साइबर क्राइम ही है, इसलिए पुलिस ने काम शुरू कर दिया है। हर थाने में साइबर यूनिट खुलेगी ही, बल्कि अलग से साइबर क्राइम कंट्रोल रूम लैब बनाई जा रही है। बच्चों और महिलाओं के साथ साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए यूपी पुलिस ने अपनी लैब बनानी शुरू कर दी है। 1.5 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर 26 पुलिस लाइन में साइबर लैब तैनात कर रही है। इसका टेंडर पिछले हफ्ते ही जारी किया गया है। शहर के प्रमुख स्थल लांते मॉल में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मॉल को खाली कराकर कई घंटे तक जांच की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस अफसरों का कहना है कि इस संबंध में एक इंटरनेट कॉल आया था। जांच के बाद मॉल को दोबारा लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन मॉल परिसर और आसपास के क्षेत्र में बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से जाँच की जा रही है। पूरे घटनाक्रम से सिटी ब्यूटीफुल दहशत में रहा। हरियाणा में आगामी महीनों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोमवार को रेसलर बबीता और उनके पिता महावीर फोगाट जननायक जनता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें सदस्यता दिलवाई। हरियाणा भाजपा प्रभारी अनिल जैन और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जींद में 16 अगस्त को होने वाली रैली के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। रैली स्थल पर मंच से मात्र 200 मीटर दूर ही हेलीपैड तैयार किया गया है, जहां शाह का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। पंजाब सरकार ने बिजली दरों में इजाफा कर दिया है, ऐसे में आने वाले बिजली का बिल आपके बजट को बिगाड़ सकता है, लिहाजा पहले से ही तैयार हो जाइए जेब ढीली करने के लिए। जानकारी के अनुसार औसतन 1000 यूनिट की खपत पर घरेलू उपभोक्ताओं की जेब पर 176 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लुधियाना एसटीएफ की टीम ने खन्ना के थाना सदर में तैनात मुख्य मुंशी हेड कांस्टेबल को उसके दो साथियों के साथ हेरोइन तस्करी के आरोप में 785 ग्राम हेरोइन बरामद की। इस मामले में मोहाली के एसटीएफ थाने में ललडेरी रोड खन्ना स्थित मोहल्ला गुरु तेग बहादुर निवासी गगनदीप सिंह उर्फ गग्गी, न्यूयॉर्क किदवाई नगर निवासी अमनदीप सिंह उर्फ मोल और टिब्बा रोड के ऋषि नगर निवासी विकास कुमार उर्फ लारा के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत से रिमांड हासिल किया है। प्रदेश में डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए 47 करोड़ का सर्टिड इसीमन फैसिलिटी केंद्र मंजूर कर दिया है। कृषि विभाग ने यह प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा था। इस केंद्र की स्थापना के बाद कृषकों को आय के अतिरिक्त साधन प्राप्त हो सकेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में मीडिया से कहा, IGMC में पहला किडनी ट्रांसप्लांट सफल हुआ है, दूसरे ट्रांसप्लांट पर काम चल रहा है। CM ने कहा, बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी, इसे IGMC के डॉक्टरों ने सोमवार को पूरा कर दिया है। एम्स के डॉक्टरों की देखरेख में पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, इसके लिए IGMC के डॉक्टर के बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एम्स के डॉक्टरों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर बम की कॉल से सोमवार रात अफरातमजान शख्स ने एयरपोर्ट DCP ऑफिस में फ़ोन कर टर्मिनल 2 पर बम होने की बात कही थी। कॉलर ने फ़ोन कर कहा कि एयरपोर्ट को बचा सकते हो तो बचा लो। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर व उसके बाद आतंकी हमले के इनपुट्स एक बार फिर मिले हैं। खुफिया विभाग से दिल्ली पुलिस को दिए गए इनपुट्स में कहा गया है कि आतंकी जम्मू कश्मीर से 370 हटाने से बौखलाए हुए हैं और दिल्ली में आतंकी हमला कर सकते हैं। आतंकी हमले के लिए किसी सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आतंकी हमले के इनपुट्स मिलने के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।